नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम बली। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आज भी पेंटर। तो मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। मैं वॉल पर पेंटिंग कर रहा हूं। यह गोल्डन येलो है, इसका बैकग्राउंड हम लगा रहे हैं। इसमें हम आंगनबाड़ी केंद्र और पता लिखेंगे। तो यह आंगनबाड़ी केंद्र है, इस पर हम पेंटिंग कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। पूरा देखेंगे तभी इसका मज़ा आएगा। हम गोल लेटर में आंगनवाड़ी लिखेंगे। तो हम थोड़ा सा जगह हमारा ज़्यादा है, तो हम भगा करके लिखेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर। ये हमारा बैकग्राउंड आयल पेंट है, गोल्डन येलो, और ये स्पॉट ब्लू है। ये हमारा मिल्टन कंपनी का ब्रश है, 1.5 इंच का। इसी से हम राइटिंग कर रहे हैं। दीवार पे राइटिंग करने से पहले लाइनिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें हम पहले स्क्रैच कर लेते हैं कि हमारा लेटर कितना बड़ा और कैसे रहेगा। उस हिसाब से स्क्रैच कर लेंगे तो एक अंदाज़ा मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारा लेटर ज़्यादा भागता नहीं है। हम उसी हिसाब से एडजस्टिंग अपना करते हुए चलते हैं। हमको लेटर भगा के चलना है तो ऊपर और नीचे का पतला और दाएं बाएं का पोज मोटा रहेगा। हम इस हिसाब से लिखेंगे तो हम जितना भगा के चाहे उतना हम भगा कर लिख सकते हैं, अपने मन मुताबिक लिख सकते हैं। आप लोग चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। हम इस चैनल पे पेंटिंग संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। आपको एक बार फिर बता देते हैं, ये हमारा ब्रश है, ये मिल्टन कंपनी का है। ये लिखने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में कमेंट करते हैं कि भाई हमको ब्रश चाहिए, ब्रश दिलवा दीजिए। तो भाई, आप जानते हैं कि ब्रश पे बैन लगा हुआ है, तो ब्रश मिल नहीं रहा है वैसे भी मार्केट में। तो आप ब्रश अपने ही मार्केट से ही खरीद लें, ब्रश की बड़ी समस्या है। हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल से ब्रश मिलता है, जो मिल जाता है उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। क्या करें, आखिर नहीं मिलेगा तो काम तो रोक नहीं सकते, तो जो मिलता है उसी से हम लोग काम कर लेते हैं। यह राइटिंग हम आयल पेंट से कर रहे हैं, तो आयल पेंट के लिए ये ब्रश बहुत ही बढ़िया है। ये 1.5 इंच वाला ब्रश है, इससे हम लोग जितना बड़ा हो या मोटा हो राइटिंग कर लेते हैं। राइटिंग करते समय हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हमको सही पोजीशन पे, सही पोज पे खड़ा होकर के लिखना है। जहाँ हम राइटिंग करें वहीं पर हम सामने ठीक उसी के नीचे अपना शरीर का बैलेंस बना करके लिखें तो राइटिंग अच्छा रहता है। और हाथ लिखते समय हाथ अगर कांपता है तो लेटर में लहर आ जाती है और देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम यही कहेंगे कि जब भी राइटिंग करें तो सीधे पोज पे खड़ा हो जाएं या बैठ जाएं, जहां राइटिंग करें ठीक उसी के सामने पोज पर रहें, तो राइटिंग करने में अच्छा रहता है। और राइटिंग करते समय अपना बैलेंस हाथ का बनाए रखें। दोस्तों, पेंटिंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आए थे तो हमने सोचा कि इसी वीडियो में हम कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। तो ये एकल कमेंट करने वाले हैं कि वाटर कलर और प्लास्टिक पेंट में भी अंतर होता है। तो हमने, हाँ, कलर और सिर्फ कलर होता है और प्लास्टिक पेंट पेंट होता है, पेंट और कलर में तो अंतर है। यह दूसरा कमेंट, हमें भी पेंटिंग सीखनी है और आप जैसा सुंदर पेंटर बनना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हम इसके लिए बता देते हैं, यही कहेंगे कि आप सुंदर लिखना चाहते हैं तो रोज़ाना दिन प्रतिदिन राइटिंग प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, आपको सुंदर लिखना ज़रूर आ जाएगा और आपके हाथ भी लिखते लिखते बैठ जाएगी, अच्छा से लिखना आप भी शुरू कर देंगे।
ये दूसरा कमेंट है, रेट क्या है सर? तो देखिए, अपने अपने मार्केट का तो अलग अलग रेट है, कहीं कुछ रेट है कहीं कुछ रेट है। तो अपनी तरफ तो जो मार्केट का रेट है वही रेट चल रहा है। वैसे आप जानते हैं कि पेंटिंग का रेट स्क्वायर फीट पे होता है, तो वहीं स्क्वायर फीट पे हम लोग भी लेते हैं। लोकल मार्केट का वाल करना है तो कुछ रेट है, और मार्केट का वो साफ पेंटिंग करना है, दुकान उकान पे लिखना है, उसका कुछ रेट है। तो रेट की क्या बात बताएं, एक रेट तो है नहीं, जैसा काम उसी हिसाब से रेट है। तो भाई वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा।